नमस्कार दोस्तों, पहले तो आप हमारी वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बाद जो आपको बेल आइकन भी दिखाई दे रहा है उस पर भी आप क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप हमारी वीडियो देख सकें और उससे जुड़ी हुई जानकारी अभी आप ले सकें। तो आज हम बात करेंगे रमा एकादशी के बारे में जो कि 24 अक्टूबर को पड़ रही है। रमा एकादशी जो है दीपावली से 4 दिन पहले मनाई जाती है और इस रमा एकादशी को रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ये कार्तिक मास की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। रमा एकादशी का जो व्रत है इसको करने से काफ़ी सुख शांति और स्मृति मनुष्य को प्राप्त होती है। कहते हैं कि रमा एकादशी का जो व्रत करता है उससे मनुष्य के पाप कम हो जाते हैं। इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी का भी पूजन किया जाता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर आप स्नान कर लें और उसके बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर व्रत का संकल्प कर लें और फिर उसके बाद भगवान विष्णु जी का पूजन शुरू करें। देखिए, जब आप भगवान विष्णु जी का पूजन करें तो उन्हें तुलसी के पत्ते जरूर अर्पण करें क्योंकि तुलसी के पत्ते जो हैं वो भगवान विष्णु जी के सबसे प्रिय हैं। वह आप तुलसी जी को अर्पण करें, उसके बाद उनको भोग लगाएं और प्रसाद बांटें। इसके बाद आप भगवान विष्णु जी का जप करें और उनके मंत्र पढ़ें क्योंकि उनके जप जो करेंगे आप तो उनका कोई भी मंत्र आप पढ़ सकते हैं। और गीता का पाठ करना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि गीता का पाठ करने से भी आपको काफ़ी महत्व प्राप्त होगा। दरअसल रमा एकादशी जो कही जाती है वे माता लक्ष्मी का ही नाम है। रमा माता लक्ष्मी को ही रमा नाम से पुकारा जाता है, इसलिए रमा एकादशी को रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये व्रत जो आप करते हैं, कहते हैं ये सबसे शुभ एकादशी कही गई है। यदि कोई व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है तो काफ़ी पाप उसके कम हो जाते हैं और भगवान विष्णु जी का जो जप और मंत्र मैंने बताया आपको वे आप सुबह और शाम 2 टाइम पढ़ सकते हैं क्योंकि इसमें सुबह भी और शाम को भी 2 टाइम मंत्रों का आप जाप करें। कोई भी मंत्र ले लें आप और एक माला जप कर लें, बहुत उत्तम आपके लिए रहेगा। और उसके साथ ही गीता का पाठ भी आप दिन में कर लें। कहते हैं कि रमा एकादशी का जो फल है जैसे सूर्य चंद्र ग्रहण पर गंगा स्नान और दान करने से मिलता है तो वही फल एकादशी पर भगवान विष्णु जी के पूजन से मिलता है। लेकिन ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि भगवान विष्णु जी की पूजा के साथ साथ माता लक्ष्मी जी की पूजा भी करनी होगी क्योंकि दोनों ही पूजा करेंगे तो बहुत ही उत्तम रहेगा। और पूजा का जो विधान मैंने आपको बताया है उसी के अनुसार आप करें। तो मंत्र जैसे ओम नमो नारायण नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम लक्ष्मी नारायण नमः, तो ये कोई भी मंत्र आप एक मंत्र ले सकते हैं और फिर जब आप कर सकते हैं एक माला। तो आज आप लोग जान चुके होंगे रमा एकादशी के बारे में। मैं अपनी और आगे वीडियो लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि कोई बात आप पूछना चाहते हैं मुझसे तो आप मुझे कमेंट भी लिखें ताकि मैं आपके कमेंट का जवाब दे सकूँ। मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और उसे शेयर करें। और जो मैंने मोबाइल नंबर आपको दिया हुआ है उस पर भी आप मुझसे संपर्क करके पूछ सकते हैं जो बात आप मुझसे जानना चाहते हैं। धन्यवाद।